वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। टूडेज माई टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स, जो कि आपके क्लास टेंथ चैप्टर टू का ये जो है चैप्टर है। पहले हम इसमें शुरू करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पे पहले हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बाद पॉलिनोमियल में उसके बाद हम इसमें देखेंगे हम टर्म्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद डिग्री ऑफ द टर्म्स क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक मोटिवेशनल थॉट भी आपके लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑब्लिक टर्म्स। अब इसका मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑब्लिक टर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि मेनी तो हमें समझ में आता है, पार्ट्स भी समझ में आता है, लेकिन टर्म्स वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो टर्म्स क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स क्या होता है? टर्म्स का बेसिकली ये जो होता है आपका रियल नंबर और उसके साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? हमारा टर्म्स कहलाता है। अब इसके बारे में, अब वेरिएबल क्या हो सकते हैं? कई बारी एक ही वेरिएबल मिलेगा या कई बारी आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स मिलेंगे, ठीक है। और जो इसमें मेन ध्यान देने वाली टर्म्स में मेन बात यह है कि वेरिएबल जो है आपका वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इनकी जो पावर है, वेरिएबल्स की जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर में अब देखिए 7x²z। अब यहाँ पे एक 7 क्या है आपका? रियल नंबर है। x²z क्या है? ये आपके वेरिएबल है। अब वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल्स वो वैल्यू होती हैं एलजेब्रा के अंदर जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। हम एक चीज़ समझते जाएंगे, अब हम टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 दिया हुआ है। अब x की पावर यहाँ पे 4 है तो हमें देखिए हमारी ये जो हमारा क्राइटेरिया है टर्म का वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हुआ। पहला तो ये है कि रियल नंबर, रियल नंबर इसका मतलब ये है कि जिसके पहले कुछ नहीं आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 इसके साथ एक रियल नंबर है और वेरिएबल आपका x की पावर 4 है, और जो x की पावर 4 है 4 आपका निगेटिव इंटीजर नहीं है इसलिए ये होगा। उसके बाद x की पावर आपका -4 ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर आपका निगेटिव है। इसके बाद थर्ड में देखिए x की पावर -4/5 है, ये भी आपका एक टर्म नहीं होगा। उसके बाद x की पावर जो है √2 दिया हुआ है, ये भी आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका xyz ये आपका एक टर्म्स कहलाएगा क्योंकि इनकी जिसका इनकी पावर यदि इसमें कोई पावर शो नहीं कर रही है, इसका मतलब x की पावर आप क्या है आप 1 लिखिए, y की पावर 1, z की पावर 1, तो हमारा ये जो क्राइटेरिया है टर्म का वो फुलफिल हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए x²/z³, इसके अंदर क्या है कि ये इसमें भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये भी एक टर्म होगा, xy भी एक टर्म होगा। यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पर 8x में देखिए, उसके बाद आपका 7x²z, 7x²z यहाँ पर भी ये भी आपका एक क्या होगा, ये भी एक टर्म्स होगा। उसके बाद √2x/z, x³, तो √2 ये भी एक रियल नंबर है आपका। इसके बाद पावर भी जो हमारी है वो निगेटिव नहीं है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो हमारी पूरी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, ये टर्म होंगे। तो ये हमने यहाँ पे देखा टर्म्स के जितनी तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, मैंने आपको इसमें सभी पूरे इसमें कवर किए हुए हैं, और टर्म्स के बारे में मेरे ख्याल से अभी कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। उसके बाद इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि भाई डिग्री कैसे करेंगे, हमें बच्चों से डिग्री नहीं आती है। अब डिग्री का क्या बोलते हैं? डिग्री अब इसमें देखो, डिग्री जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो हाईएस्ट उनकी जो पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। जो टर्म की पावर होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डिग्री।
अब ये है ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल का मतलब ये है कि जिसमें जैसे सेवन एक्स है, एक्स केवल एक वेरिएबल है, यदि मैं सेवन एक्स बाई बोलूँ तो वहाँ पे टू वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पे सेवन एक्स है, यहाँ पर आप देखिए कि इसकी डिग्री वन होगी क्योंकि एक्स की पावर आप वन लिख सकते हैं। एट एक्स क्यूब है, यहाँ पर इसकी डिग्री, इसका पावर एक्स का क्या है, ये जो टर्म है इसकी डिग्री आपका क्या होगा, थ्री होगी। थ्री बाई क्यूब में यहाँ पर थ्री होगी, एट बाई स्क्वायर में यहाँ पर जो डिग्री है वो टू होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ पर तो वन वेरिएबल था, यदि मोर देन वन वेरिएबल होता है तो क्या है? तो हम डिग्री कैसे निकालते हैं? तो जैसे यहाँ पे देखिए सेवन एक्स स्क्वायर बाई है, इसके अंदर आपने बेसिक्स थोड़ा समझ लेना है कि देखिए एक्स की पावर यहाँ पे टू है, बाई की पावर कितने हैं, वन है। आप जीरो नहीं लिख सकते हैं, आपने वन लिखना है, ठीक है। यदि बाई की पावर आपने जीरो नहीं लिखना है, अब देखिए दोनों को टू प्लस वन आपने कर दिया, दोनों की डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री जो है थ्री हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद एट एक्स बाई जेड क्यूब, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स की डिग्री वन है, बाई की डिग्री वन है और जेड की डिग्री थ्री है। अब तीनों को आप प्लस कर देंगे तो आपका ये फाइव आ जाएगा। सेवन एक्स पी क्यूब, यहाँ पर एक्स की वन है, बाई की सॉरी यहाँ पे बाई मैंने लिख दिया है, यहाँ पे पी लिखना चाहिए, तो पी की जो है डिग्री थ्री है। अब दोनों को आप प्लस करते हैं तो फोर है। तो इस टर्म की जो है डिग्री क्या है, इसकी फोर है। उसके बाद अब बात आती है हमें पता होना चाहिए भाई कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म के अंदर जैसे मान लीजिए हमने 4x लिखा, ये 4x स्क्वायर लिखा, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो नेवर चेंज, कोई जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब 4 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं, x की वैल्यू में आप 2 रखिए तो 8 हो जाएगा, 3 रखिए तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वेरी होती रहेगी, बट 4 की वैल्यू 4 जो है 4 ही रहेगा, वो कांस्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इस टर्म में जो है ये कांस्टेंट टर्म है आपका। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे हम कि सेवन, अब सेवन यदि सिंगल सेवन आता है तो क्या ये टर्म है या नहीं? यस, ये टर्म है। क्यों है? आप सेवन को सेवन एक्स की पावर, सेवन इंटू एक्स की पावर जीरो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर जीरो का मतलब होता है वन, तो सेवन इंटू वन सेवन ही होगा। आप फिर वहीं पर आप जो है पहुँच जाएंगे, तो इसलिए आपका कोई सिंगल डिजिट आता है तो वो भी आपका एक टर्म होगा। तो यहाँ तक हमने बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया आपका, इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने पॉलिनोमियल्स क्या होगा इसके बारे में हमने जाना, टर्म्स क्या होते हैं ये हमने यहाँ पे इसके बारे में पूरी जो है जितने फैक्टर्स हैं वो हमने जाना। उसके बाद डिग्री ऑफ टर्म्स क्या कहलाती हैं, इसमें कितनी तरह कंडीशंस होती हैं उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म क्या है ये हमने जाना। और इसके बाद आपके लिए मोटिवेशनल थाट है कि एक परीक्षा कभी कठिन या आसान नहीं होती, किसी विद्यार्थी की अच्छी मेहनत जो विद्यार्थी जो ये उस पर डिपेंड करता है कि कितना मेहनत कर रहा है। तो जो बच्चा अच्छी मेहनत करता है उसके लिए हमेशा वो परीक्षा आसान होती है, और जिसने कभी मेहनत नहीं की है उसके लिए हमेशा पेपर टफी होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, हमेशा जीवन में मेहनत करना है। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ताकि मुझे मैं और भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।